हेलो दोस्तों, आज हम मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे। मूल कर्तव्य जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है। मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग चार कैम में वर्णित हैं। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A शामिल किया गया। इस भाग 4A में एक के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग 4A शामिल किया गया है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अभिभावकों का कर्तव्य होगा। यह कर्तव्य 11वां कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है, जो कि शिक्षा दिलाने का अभिभावकों का कर्तव्य है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो मूल कर्तव्य जोड़े गए और मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया। प्रमुख मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। इन शॉर्ट, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमेशा नंबर वन पर। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हमेशा नंबर वन, पहला मूल कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हमेशा नंबर वन। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोएं और उनका सम्मान करें। राष्ट्रीय आंदोलन नंबर दो पर, पहला था राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हमेशा नंबर वन, ये पहला मूल कर्तव्य। दूसरा मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा नंबर दो पर। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। अर्थात भारत की प्रभुता की रक्षा करें, एकता की रक्षा करें, अखंडता की रक्षा करें। इन शॉर्ट, प्रभु नंबर तीन, प्रभु। पहला मूल कर्तव्य था राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान नंबर एक पर, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन नंबर दो, अब तीसरा है प्रभु, प्रभु तीसरे नंबर पर मूल कर्तव्य। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इन शॉर्ट, राष्ट्र की सेवा का चौका। पहला था राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान नंबर वन, दूसरा था राष्ट्रीय आंदोलन नंबर दो, तीसरा प्रभु नंबर तीन, चौथा मूल कर्तव्य है राष्ट्र की सेवा का चौका। पांचवा मूल कर्तव्य है भातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग की वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इसका शॉर्टकट है पांडव पांच, जो भातृत्व के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध थे। पहला मूल कर्तव्य था राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान नंबर एक पर, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन नंबर दो, प्रभु नंबर तीन, राष्ट्र की सेवा का चौका, चौथा मूल कर्तव्य पांडव पांच, जो भातृत्व के लिए प्रसिद्ध, ये पांचवा मूल कर्तव्य। अब छठा मूल कर्तव्य है देश की गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। तो शॉर्ट में है संस्कृति का छक्का। पहला मूल कर्तव्य था राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान नंबर वन, दूसरा था राष्ट्रीय आंदोलन नंबर दो, तीसरा प्रभु नंबर तीन, चौथा राष्ट्र की सेवा का चौका, पांचवा था पांडव पांच, छठा है संस्कृति का छक्का। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वह वन्य जीवों की रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। पर्यावरण पांच, सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। अर्थात इन शॉर्ट में पर्यावरण की रक्षा पूरे सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन, तो पर्यावरण की रक्षा पूरे सप्ताह, ये हो गया सातवां मूल कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा पूरे सप्ताह, सातवां मूल कर्तव्य। अब आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, अर्थात शॉर्ट में है मानववाद रुपए आठ, आठवां मूल कर्तव्य मानववाद, मानववाद रुपए आठ। नवा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वह हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वह हिंसा से दूर रहें। इन शॉर्ट में नौ ग्रह सही होने पर संपत्ति बनती है। नवा मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, शॉर्ट में है नौ ग्रह सही होने पर संपत्ति बनती है। दसवां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, ताकि देश निरंतर ऊंचाइयों को छू सके। उत्कृष्ट प्रदर्शन दसवां नंबर का मूल कर्तव्य, इसलिए शॉर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन 10 में से 10, इसलिए कौन सा मूल कर्तव्य है, दसवां मूल कर्तव्य है उत्कृष्ट प्रदर्शन 10 में से 10। ग्यारहवां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अभिभावकों का कर्तव्य।
यह मूल कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। 11 मूल कर्तव्य हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अभिभावकों का कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू। मूल कर्तव्यों की प्रवृत्ति है न्यायालय द्वारा, अपवर्तनीय, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। संसद द्वारा इसमें संशोधन